इस वक्त हम खड़े हैं सुभाष चौक में, जहां पर पुलिस सहायता केंद्र बना हुआ है। और इस पुलिस सहायता केंद्र के लिए देवास की राजनीति गर्म थी। कांग्रेस और बीजेपी के लोग लगातार इस पुलिस सहायता केंद्र के बनने पर आपस में उलझे हुए थे। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने अब आदेश दिया है कि इस पुलिस चौकी को तोड़ा जाए। पुलिस चौकी तोड़ने के साथ में हाईकोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है और उन्हें सवाल उठाए हैं कि कलेक्टर ने किस प्रकार से दो लाइन का एक पत्र लिखा, भवन जो भवन नगर निगम जो भवन की इजाज़त देता है उन्हें पत्र लिखा और उस पत्र के आधार पर इसको बनाने की परमिशन दी गई। और इसी प्रकार कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि कई ऐसे मामले हैं जब इलीगल कंस्ट्रक्शन में मंदिरों को तोड़ा गया है और गरीब लोगों के घर भी तोड़े गए हैं, तो इन्हें कैसे परमिशन दी जा सकती है। कोर्ट ने इस तरह की कुछ टिप्पणी की है जो कि बेहद ही प्रशासन के लिए देखा जाए तो बहुत ही गंभीर किस्म का ये मामला है। और अब इस चौकी को तोड़ने का आदेश कोर्ट ने हाईकोर्ट ने दिया है। अब देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम को कहा गया है कि इसको तोड़ा जाए और इसमें तोड़ने के लिए मदद करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश जारी किए गए हैं। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान। आप यहाँ के दुकानदार हैं और जी हाँ, चौकी आपके सामने बनने थी जी, जी। हाईकोर्ट का अब आदेश हुआ है कि इसको तोड़ दिया जाए जी। आपकी क्या राय इसमें, आप कैसा? मेरी राय है कि पुलिस चौकी होना कोई गलत बात नहीं है, क्या होना चाहिए। लेकिन देखिए आप, ये एक DP भी यहाँ पर है, ठीक है, उसके बाद झाड़ भी यहाँ पर है, उसके बाद चौकी भी यहाँ पर, ये तीन कोने क्यों नहीं दिख रहे सरकार को? मेरा ये मतलब है कहने का, वो कोना खाली पड़ा है, उस तरफ का कोना खाली पड़ा है, ये कोना खाली पड़ा है, सारी चीज़ यहीं पर ही क्यों? ये DP भी यहाँ, झाड़ भी यहाँ और फिर चौकी भी यहाँ। इससे क्या नुकसान होता है आप लोगों को? सारी दुख, यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता सर। अच्छा, देखिए आप, अभी देखिए आप क्या हालत है ट्रैफिक। नहीं, व्यवसाय में आपको क्या नुकसान होता है? व्यवसाय में कोई नुकसान? व्यवसाय में दुकान छुप रही ना, पूरी क्लियर दिख रही है। काय की दुकान है आपकी? मेरा स्टूडियो है सर। अच्छा, ठीक है। मेरी 70 साल पुरानी दुकान है, हालांकि मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फैसला आया, आप खुश हैं? खुश यूँ नहीं है कि चौकी तो होना चाहिए सर। चौकी तो चाहिए। चौकी तो चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय भाटिया।